नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने वीडियोस में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो HTC One नाम से एक जो डिजिटल क्लॉक है वो आती है। तो ये जो क्लॉक आती है इसके अंदर थर्मामीटर भी होता है और ह्यूमिडिटी मीटर भी होता है। तो इस वॉच के जो फंक्शन है वो बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं लेकिन डिटेल से नहीं बताए हुए कि इसके अंदर अलार्म है या नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वॉच है इसके कुछ पैक इस तरह से आता है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक वॉच है, यहाँ पे एक SSSI की एक बैटरी दी हुई है और पीछे कुछ जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें तो ये -10 डिग्री से लेके +50 डिग्री तक ऑलमोस्ट ये रीड कर सकता है और इसमें जो इसकी मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो +-1 डिग्री की रहेगी। इसी के साथ यहाँ पे जो ये ह्यूमिडिटी है ये लगभग 10% से लेके 99% तक मेजर कर सकता है और इसकी जो एरर है वो लगभग +-5% रहेगी। और ये 1.5 वोल्ट की जो AAA बैटरी है इसके थ्रू ये कार्य करता है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं बता दूँ तो अलार्म का भी फीचर है और एक और फीचर है वो अभी आपको बताते हैं। अंदर कुछ इस तरह से ये यहाँ पे एक तो ये वॉच मिलती है और साथ में ही मिलती है बैटरी। तो बैटरी को यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो बैटरी को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। उससे पहले मैं आपको इसके पीछे का ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे अपन को एक हैंग वॉल पे हैंग करने के लिए यहाँ पे एक सॉकेट मिलता है। यहाँ पे इसको स्टैंड पे लगाने के लिए कुछ इस तरह से इसको स्टैंड पे लगाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मिलता है। साइड की बात करें तो यहाँ पे कुछ होल्स दिए हुए हैं जो कि जिनके थ्रू जो इसके टेम्परेचर सेंसर है और ह्यूमिडिटी सेंसर है ये वर्क करते हैं। और जो फ्रंट पैनल है वो कुछ इस तरह से है। इसमें कोई मतलब लाइट अप का कोई फंक्शन नहीं है, सिंपल जो ब्लैक एंड वाइट LCD है। यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं और बटन काफ़ी सेंसिटिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तो मोड का बटन दिया हुआ है, एक एडजस्ट का बटन दिया हुआ है, एक मेमोरी का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर की साइड है जो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, अभी समय सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है जो AM PM और 24 आवर के फॉर्मेट में भी आता है। तो सबसे पहले मैं फटाफट इसका टाइम सेट कर देता हूँ। सेट करने के लिए मैं मोड बटन को एक बार दबाऊँगा तो ये अभी ये दो बार ये दबाने से टूटू बोल रहा है ना, ये एक अलार्म का है। तो मैं मोड बटन को दबा, ये जो है ये टाइम है क्योंकि इसमें ब्लिंक कर रहा है और ये है ये अलार्म का है। मोड बटन एक बार दबाने पर ये टाइम का आ गया। मुझे टाइम सेट करना है तो मैं मोड बटन को दबा के रखूँगा। ये फ्लैश करने लग गया तो मैं इसको सेट कर दूँगा। सपोज अभी 1:10 या 15 मिनट 17 मिनट हो रहे हैं, 1 बज रखे हैं और ये PM है तो मैं इसको PM पे सेट कर दूँगा। 1 PM हो गया। आप यहाँ पे 24 आवर्स का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं या फिर 12 का। तो जैसे मैं 12 आवर का सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर दिया। यहाँ पे सन तो जैसे सपोज 2023 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये मंथ सपोज ये हो गया तो ये टाइम यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इसके बाद ये तो हमने टाइम सेट कर दिया। अब जैसे 1:18 है तो 1:20 का मैं इसमें अलार्म सेट करता हूँ। इसको दबा के रखूँगा। यहाँ पे 20 1 PM का करना है मुझे, 12:01 तो ये मेरा अलार्म सेट हो गया। यहाँ पे देखिए अलार्म का साइन आ गया और वॉल्यूम का साइन आ गया तो 1:20 का यहाँ पे अलार्म सेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये टेम्परेचर आ रहा है, इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर आ रहा है। यहाँ नीचे एक मेमोरी का बटन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं नीचे मेमोरी का बटन है। इसको जैसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए MIN मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो अभी तक इस वॉच जो ये डिजिटल वॉच है इसने नापा है वो 31.4 है और मैक्सिमम है वो 32 है। इसी प्रकार ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 61 नापी है अभी तक और मिनिमम 56 नापी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो ये साइन दिख रहा है ये वाला साइन अगर ऑन है तो इसका मतलब है जैसे ही 1-1 घंटे होंगे तो ये एक बार बीप करती है, हर घंटे पे एक बार बीप करती है। तो इस तरह से आपको ये भी पता लग जाता है कि 1 घंटा गुजर चुका है। तो 1:20 पर अभी अलार्म बजेगी और हम इसको लाइव देख लेंगे कि अलार्म आखिर कैसे हैं। बाकी मैंने इसको यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर में भी रख के इसके जो टेम्परेचर रीडिंग है उसको नोट किया तो काफ़ी ठीक लगी, मतलब रिस्पॉन्सिव है। फेक तो नहीं लगाया हुआ इसमें जो थर्मामीटर है वो फेक नहीं है और ह्यूमिडिटी मीटर भी बिल्कुल फेक नहीं है। कि इसको मैंने कूलर के अंदर यूज़ करके देखा, जैसे कूलर ऑन करते हैं उसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है और तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है अलार्म बज रही है। इसको मैंने रोक दिया है। तो टेम्परेचर मैंने इसको इसी तरह नापने के लिए फ्रिज के अंदर रख के देखा तो टेम्परेचर थोड़ा लेने में 10
5-10 मिनट लगाई, उसके बाद लगभग ठीक टेम्परेचर आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसको रेफ्रिजरेटर का जो डीप फ्रीजर वाला चैम्बर होता है उसके अंदर रखा, वहाँ पे भी इसका जो टेम्परेचर है वो -6 जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इतना चला गया। तो कुल मिला के काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगी, मतलब कि इसका टेम्परेचर वगैरह लेना मुझे ऑलमोस्ट ठीक लगा। मैंने इसको धूप में भी रख के देखा, उस हिसाब से इसमें टेम्परेचर राइज़ कर रहा था, मतलब रिस्पॉन्सिव है और विश्वास किया जा सकता है इसके टेम्परेचर में। तो यहाँ पे अगर हमें जो ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ रहा है इसको मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पिन या टूल चाहिएगा, क्योंकि जो ये वॉच है इसके पीछे की तरह यहाँ स्टैंड को ऊपर करने के बाद यहाँ पर एक ये जो है ब्लैक कलर का बटन दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से एक बार प्रेस करना पड़ेगा और इस तरह से बीप की साउंड आएगी और उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है कि जो ये मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर अभी जो आ रहे हैं जैसे इनको रीसेट करना है, जीरो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मोड बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, बीप की साउंड आए, इसका मतलब है यहाँ पर ये रीसेट हो चुके हैं। मिनिमम और मैक्सिमम देखो आप 0-0 हो गए वापस, तो आप इसे इनको रीसेट कर सकते हैं। और ये आती भी काफ़ी सस्ती ही है, 200 से 250 रुपये की, और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट लगा इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। बाकी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हुआ तो मैं उसको जवाब दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।